लंबे लंबे श्वास, जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द, कमजोरी हो, धीरे धीरे करना। और जो पूरी तरह से योगी है, निरोगी है, ऊर्जावान है, बलवान है, समर्थ है, उनको तीव्र गति से करना चाहिए। थोड़ी देर, 5 मिनट ऐसे तीव्र गति से कर लेते हैं ना, तो इतनी ऊर्जा आ जाती है, इतना सामर्थ्य आ जाता है, इतनी शक्ति, इतना बल, बलम उपास, बल बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो ब्रह्मचारियों को तीव्र गति से यह अभ्यास करना चाहिए। प्राण पति हो, प्राण
सामान्य गति, मध्यम गति या तीव्र गति से भस्त्रिका प्राणायाम लगभग 5 मिनट जब कर लेते हैं ना, 5 प्राण पंचभौतिक देह, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्ट, 72,72,10,201 नाड़ियां, अष्टचक्र, नव द्वार, एक एक सेल टिश्यू ऑर्गन से लेकर के पूरा सिस्टम एनर्जाइज हो जाता है। प्राणिक ऊर्जा दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। ऐसे ही कपाल भाति भी सामान्य गति, मध्यम गति या तीव्र गति पूर्वक करना, तो माथे पर तो ऐसे ही पसीना आ जाएगा जैसे अभी मुझे आ रहा है। ऐसे एक बार तो पसीना पूरा चूना चाहिए, इतनी ऊर्जा होती है प्राण में। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करते रहिए, पूरे मस्त होकर के। मैंने कहा बार बार योग चेतना, उच्च चेतना, दिव्य चेतना, आत्म चेतना, गुरु चेतना, ऋषि चेतना, भागवत चेतना में पूरे समाहित तो होकर के योगाभ्यास करना चाहिए। फिर देखिए योग से शक्तियां मिलेंगी, सिद्धियां, विभूतियां। जिसको अतिंद्रिय सामर्थ्य कहा जाता है योग की भाषा में, यह है योग की महिमा। कपाल भाती करते प्राणों के साथ जब प्राणों की आराधना करते हो और साधना में निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं तो अपने आप ही जीवन का दिव्य रूपांतरण होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, दुनिया के लोगों के लिए तो यही बहुत बड़ी उपलब्धि और सफलता है, यही बहुत बड़ा चमत्कार और आविष्कार है, यही बहुत बड़ा अनुसंधान है कि योग से सब रोग मिटते हैं।